नमस्कार मु आकिलास प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को मु पुनर्बार आपण मानको स्वागत जणाए। आज ध्यान निमन्ते पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल गीत संहिता 78 अध्याय 12 पदरु 33 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग हैला ऐतिहासिक पुस्तक। एठारे एपरी लिखा जाए से मानको पितृगण साक्षात रे मिसर देश रे शयन पदारे नाना आश्चर्य कर्म कले। से समुद्र को विभक्त करी से मानको पार कराइले। पुणी से जल समूह को राशि रूपे ठिया कराइले। दिवस रे से मेघ द्वारा और रात्रि रे अग्नि तेज द्वारा से मानको पथ कड़ाई नेले। प्रांतर रे से शैल मानको विदीर्ण कले। पुणी जेपरी अगाध स्थल रु सेपरी से मानको प्रचुर जल पान कराइले। से शैल रु से स्रोत बाहर कले। से नदी तुल्य जल प्रवाहिले। तथापि से माने ताहांको विरुद्धरे पाप करिबाकु ओ मरुभूमि रे सर्वपरिस्तंको प्रतिकूल रे विद्रोहाचरण करिबाकु निरस्त नहिले। पुणी से माने आपणा मानंको अभिलाष पूर्णार्थे भक्ष्य मागी आपणा आपणा मनरे परमेश्वरंकर परीक्षा कले। हाँ से माने परमेश्वरंको प्रतिकूल रे कथा कहिले। से माने कहिले परमेश्वर की प्रांतरे मेज सजाई पारिबे। देख से शैल को आघात करते जल निर्गत है व स्रोत प्रवाहित है। से कि अन्न हिंपारती से कि आपणा लोक मान निमंत मंस जगे एतु सदाप्रभु शुणी कोपानित हेले ओ जाको विरुद्ध अग्नि प्रज्वलित है ओ इस्राएल विरुद्ध ही क्रोध उठिला। कारण से मैने परमेश्वर ठीक विश्वास कले और परित्राण से निर्भर रखिले ना तेबे हे से उपरिस्त मेघमाल को आज्ञा कले ओ आकाशर द्वार मुक्त कले। आउ से भजनार्थे से मानकुपरे मान्ना बर्षाइले ओ से मानकु स्वर्गर शस्य प्रदान कले। पराक्रमी गणर आहार मनुष्य भजन कला। से मानकु तृप्ति पर्यंत भक्ष्य पठाइले। से आकाशरे पूर्वीय वायु बहाइले ओ निज पराक्रम द्वारा दक्षिण वायु चलाइले। मध्य से धूली परी से मानको उपरे मांस बर्षाइले। पुणी समुद्रर बाली परी पक्षी मानको बर्षाइले। से मानको छाउणी मध्यरे से मानको आवासर चतुर्दिगरे ताहा बर्षाइले। तहिरे से माने भजन करी परितृप्त हेले ओ से मानको अभिलषित विषय से मानको प्रदान कले। अभिलषित विषयरु से मानको स्नेह भंग न हुनु खाद्य से मानको मुखरे थाउ थाउ परमेश्वरंकर क्रोध से मानको प्रतिकूल रे उठिला ओ से मानकर हृष्टपुष्ट लोकंक मध्यरु बध कला। पुणी इस्राएल रो जुबागण को संहार कला। ए सबु हेले हे से माने पुनर्बार पाप कले ओ तांको आश्चर्य क्रिया रे विश्वास कले नाही। एहेतु से असारदारे से मानको दिन ओ बिहोळतारे से मानकर वर्ष सबु क्षेपण कले। प्रिय दर्शक बंधु प्रभु आमानकु साहाय्य करंतु ए समस्त वाक्य बुझिबाकु चेष्टा करिबा। कवि सारांश भावरे एई कहानी को व्यवहार करंती जेपरी तांको लोकमाने सदाप्रभु को स्मरण करंती ओ तांको वंशधर मानको जणाइबा निमन्ते से चाहंती। इस्राएल मानको समय रे सदाप्रभु लोहित सागर को दुई भाग कले। अग्निस्तंभ ओ मेघस्तंभ द्वारा से मानको मरु प्रांतर रे कड़ई नेले। पुणी ऊर्धरु से मानको पाए मान्ना दे क्षुदित मानको प्रतिपालन करुथिले। एही समस्त घटना परे भी इस्राएल माने सदाप्रभु को धन्यवाद न दे जेउ अनुग्रह रो मान्ना से माने खाइथिले बरम तार प्रतिबदलरे से माने बचसा करी आहुरी अधिक उत्तम खाद्य निमन्ते दाबी करुथिले। एथिपाय सदाप्रभु आपणा क्रोध द्वारा से मानको दंड दउथिले जहाँफलरे इस्राएल माने केबे भी परिवर्तन न होई सदाप्रभु को भूली जाए अनाज्ञाकारी पथरे अग्रसर होउथिले। प्रिय बंधुगण ईश्वर किए अटंती ताकु आज माने बुझिबा। सदाप्रभु आमर दैनिक आहार जोगांती जेउ माने त्रुचित से मानकु से पान करांती क्षुदित को आहार ओ जेउ माने मांस पई आवश्यक करंती से मानकु मांस मध्य जोगांती। जदि भी सदाप्रभु आमकु खाद्य वस्त्र ओ जल जगाई थांती ओ विश्राम निमन्ते अनुग्रह प्रदान करंती तथापि तांको अनुग्रह को भूली जाई थाउ कारण आमर स्वार्थ अभिलाष निमन्ते आमे तांको अनुग्रह को अग्राह्य करिथाउ। प्रिय दर्शक बंधु ए समस्त शिक्षा रे ईश्वर आमानकु कोन सिखांती ताहा आसुआ माने शिखु। अविश्वास एक विश्वासघातकता अटे।
ଏଇ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନୁହେଁ କି କୌଶଳର ଉପଦାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ନିର୍ଭରତା ରଖିବା ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ନିରନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରି ତାହାଙ୍କର ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ଭାଳି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭରସା ରଖି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଗୌରବ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।